हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो बताने वाले हैं ऑल फार्मूला और चैप्टर है वॉइस। ठीक, तो वॉइस के जितने भी फार्मूले हैं टेंस के, जिससे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं, वो सभी फार्मूले अभी बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सभी फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले बता दें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन। ठीक, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी बाई प्लस एजेंट हो जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो रहता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में आता है तो सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले ही लिखा हुआ है बोर्ड पे, आई मी वी अस यू यू ही हिम सी हर इट इट दे देम। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदल। अब आते हैं पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट या बाई प्लस एजेंट भी इसको कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि इसमें जो दिया हुआ है वर्ब का तीसरा रूप, वो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वर्ब का तीसरा रूप ही होता है। ठीक, कौन सा रूप होता है, तो सिर्फ तीसरा रूप होता है, चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, वर्ब में तीसरा रूप ही होता है पैसिव वॉइस का। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही फॉर्मूला रहता है और उसमें सिर्फ बीइंग ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस आई एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब तीसरा है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है हैज हैव और बीन हो जाता है। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब आते हैं पास्ट का। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस में तीन ही बताए हैं। ठीक है, चौथा जो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बदलता है। ठीक है, अब आते हैं पास्ट, पास्ट में भी तीन ही बदलते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बदलते हैं। तो पास्ट का पहला है सिंपल पास्ट टेंस, इसका जो था सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा है पास्ट का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका हो जाएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप और बाय प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट का तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हो जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में दो टेंस के ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बदलेंगे, बाद बाकी को नहीं, यानी कि सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे और बी, शैल हो या विल हो बी सभी में होगा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव विल, सब्जेक्ट के बाद होगा शैल या विल, फिर हो जाएगा हैव विल, वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इस वीडियो में ये वॉइस का ऑल फार्मूला हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।